आप देख सकते हैं टूरिस्ट लोगों को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी राइड्स है। दिस आर द डेजर्ट बगीस, देन घोड़े हैं, देर आर कैमल्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। टुडे इज़ द सिक्स्थ डे ऑफ आवर राइड। 6 दिन हो चुके हैं हम हमारे घर से निकले हुए और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। वी आर इन भुज। तो अभी हम तैयार वगैरह हो चुके हैं एंड नीचे आए हैं देखने के लिए कि आज एक्साइटिंग क्या है ब्रेकफास्ट में। गाइस हम लोग आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए और नाश्ते में आज हम खा रहे हैं पूरी, आलू सब्जी एंड दही है। तो ये होटल का नाम है पप्पू पूरी साग वाला और ये ओल्ड बस स्टैंड भुज इसके पास में ही है। गाइस ब्रेकफास्ट हो चुका है, बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट था, मज़ा आया खाने में। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। सो गाइस अभी हम थोड़ी देर पहले जब भी ब्रेकफास्ट के लिए निकले थे तो क्या हो गया, हमारी रूम की जो चाबी थी वो मेरी जेब से गिर गई और ये जो सामने जो दिख रहे हैं ये सर, इनको इन्होंने ये देखा कि चाबी गिर गई और जब भी हम ब्रेकफास्ट करके आए तो ध्यान देके थे हम कभी आ रहे हैं और हमको रुका के उन्होंने चाबी रिटर्न कर दी। तो अगर ये चाबी नहीं मिलती थी तो बहुत दिक्कत हो जाती थी आज। तो थैंक यू वेरी मच। सो गाइस अभी हम निकले हैं भुज से और जा रहे हैं मांडवी बीच। मांडवी बीच इज 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, तो करीबन 2 घंटे, 1.5-2 घंटा तो लगना चाहिए। तो चलो देखते हैं, अगर रास्ते में कुछ अगर एक्साइटिंग मिलता है तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। या बट देन द अल्टीमेट गोल इज नॉट रीचिंग द लोकेशन, द गोल इज टू फाइंड एंड एक्सप्लोर द प्लेसेस एज वी मूव टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। और हाईवे टच कर दिया है, द रोड इज क्वाइट गुड, इन बिटवीन स्मॉल थोड़ा सा बम्स है, नहीं के बराबर, बट देन दोज आर मैनेजेबल, अदरवाइज इट्स सुपर्ब। सुबह की धूप निकल चुकी है, ठंड है और हल्की हल्की सी गर्मी भी है। ओहो ओके। सो गाइस ये थोड़ा सा घाट सेक्शन लगा है अभी हमें, ज़्यादा बड़ा तो पार नहीं लग रहा है बट ना हल्का हल्का है, अच्छा लग रहा है ट्विस्टीज में आके, क्योंकि स्ट्रेट रोड पे चला चला के बहुत बोर होता है, थोड़े से ट्विस्टीज आ जाएंगे तो मज़ा आता है चलाने में। ये भाई साहब रास्ते के बीच में खड़े हैं और रिवर्स ले रहे हैं, वो भी स्लोप पे। मैं समझ नहीं आता मतलब व्हाट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड है इतने सिंपल चीज समझने के लिए। कितने पढ़े लिखे लोग होने चाहिए ये समझने में के लिए कि ये रोड बिजी रोड है, गाड़ियां आती है स्लोप से स्पीड में आती है। दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू चेंज। चलो ठीक है, विद टाइम टेबल विल चेंज, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पेट्रोल भरा था थोड़ी देर पहले, हाफ टैंक पड़ा था पेट्रोल ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हमने भरा एट द शेल पेट्रोल पंप। और क्या किया हमने कि हमने हाफ टैंक जो था वो पावर भरा है और आई एम टेलिंग यू द परफॉर्मेंस वाज ड्रास्टिकली चेंज। मतलब अभी ये चढ़ाई है, द वे द थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है। नो डाउट इट्स 10 रुपीज एक्सपेंसिव देन अ नॉर्मल पेट्रोल, बट देन कभी कभार भर सकते हैं आप। हम लोग मांडवी पहुंचे हैं और ये ब्रिज हम लोग क्रॉस कर रहे हैं टू गो टुवर्ड्स द बीच। एक फोर्ट जैसा स्ट्रक्चर है सामने, पता नहीं ये क्या है, बट मस्ट बी सम ओल्ड मॉन्यूमेंट टाइप। पता नहीं अभी ये पिछले कुछ दिनों से हाईवे पे गाड़ी चला चला के सिटी में चलाने के लिए दिक्कत हो रही है।
आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये वुडन स्ट्रक्चर है, ये तो बेसिकली ये शिप बिल्डिंग हो रही है, मतलब ये हाथों से बनाई जा रही है। काफी बड़ी बड़ी शिप्स है ये। दोस्तों सामने हमें बीच दिख रहा है, तो हम पहुंच चुके हैं बीच पे। अभी हम यहाँ पे कोई पार्किंग ढूंढेंगे एंड देन विल एक्सप्लोर द बीच। सो गाइस वी हैव रीच्ड द बीच नाउ और अभी हम ये बीच एक्सप्लोर करेंगे। धूप काफी तेज है, मतलब थोड़ा अनबेरेबल है। सो दिस इज हाउ द बीच इज। तो आप देख सकते हैं टूरिस्ट लोगों को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी राइड्स है। दिस आर द डेजर्ट बगीज, देन घोड़े हैं, देर आर कैमल्स, यू कैन ऑल्सो हैव बोट राइड, बनाना राइड। सो काफ़ी एंटरटेनमेंट के साधन है। सो इफ यू कमिंग इन द इवनिंग यू हैव अ गुड टाइम ओवर हियर। वीकडे है इसके लिए ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, बट देन डेफिनेटली शाम को जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ होगी। तो ये कौन सी बोट है? ये स्पीड बोट। ये कितना अंदर जाती है? ये 1 किलोमीटर राउंड। और आप कितना लेते हो उसका चार्ज करके? हाँ जी 100 रुपया पर पर्सन 1 किलोमीटर अंदर जाके। तो गाइस जैसे इन्होंने कहा है कि यहाँ पे ये स्पीड बोट राइड मिलती है जो 1 किलोमीटर अंदर जाती है समुंदर में, एंड दे जस्ट चार्ज 100 रुपीज़। सो 100 रुपीज़ इज़ अ गुड इनफ अमाउंट टू पे फॉर अ किलोमीटर राइड दैट टू इन द सी, जहाँ पे आप इन्जॉय कर सकते हैं। तो चलो हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं और यहाँ पे क्या है। तो गाइस यू विल ऑल्सो फाइंड यहाँ पे काफ़ी सारा खाने पीने के भी स्टॉल है। नारियल पानी है, सेवपुरी, भेलपुरी। तो विश्व हम लोग शाम को आना चाहिए थे बट लेकिन अभी टाइम नहीं है। चाचा क्या नाम है आपका? हाँ जी अयुब भाई। अयुब भाई तो आप ये ऊँट सवारी देते हो, कितना चार्ज करते हो और कितना दूर जाती है? कहाँ पे? ओ विंड वहाँ से। ओके गाइस अभी हम यहाँ पे आए हैं, दिस इज सतनाम वाटर स्पोर्ट्स और इनके पास स्पीड बोट राइड है, जेट स्की राइड है, फैमिली सोफा राइड है, बम्पर राइड है, बनाना राइड है। पर पर्सन 100 रुपीज़ फॉर अ स्पीड बोट राइड। फॉर स्पीड और जेट स्की के लिए? जेट स्की का 400 उसमें कितने लोग बैठते हैं? वन सीटर। और ये फैमिली सोफा राइड 600 इसमें कितने लोग बैठते हैं? छः लोग बैठते हैं। और ये बम्पर राइड जो है? बम्पर राइड का तीन लोग। और उसका कितना चार्जेस है? पर पर्सन 300। बनाना राइड अभी बंद है, ऑफ सीजन इसलिए बंद है। वैसे इसका कितना चार्ज लेते हो? इसका 300 रुपये। 300 रुपये। आपका नाम क्या? ताही। सो गाइस ये ताही है, इन्होंने आपको बताया कि यहाँ पे जो राइड्स हैं उनके रेट्स क्या हैं। दिस इज़ द ओनली बीच विच गुजरात हैज एज फार एज माई नॉलेज, मुझे किसी ने बताया, मतलब जो प्रॉपर बीच जिसको बोल सकते हैं। नदी बोटिंग जवानो नदी। आई डोंट नो, मतलब जब से हम गुजरात में आए सीम्स लाइक मुझे थोड़ा गुजराती आने लग गया। मतलब जो पहले जो रिलक्टेंसी रहती थी ना वो नहीं आ रही है, मतलब भले गलत निकल रहा है लेकिन एकदम स्मूथली निकल रहा है गुजराती। अभी हमने आपको मांडवी बीच दिखाया, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। धूप काफ़ी है तो अभी हम यहाँ पे शुगर केन जूस पीने वाले हैं। तो फिर शुगर केन जूस पीते हैं एंड देन विल स्टार्ट फॉर भुज। तो दोस्तों हम बस थोड़ा आगे जा रहे हैं।
तो गाइस अभी हम यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे फंस गई गाड़ी। सो गाइस होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं हम अगले लोकेशन पे। टेक केयर, बाय बाय। विजय विलास पैलेस। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं विजय विलास पैलेस, जो मांडवी से करीब 6 किलोमीटर पहले पड़ता है। मतलब आप मांडवी बीच जब जा रहे हो तो 3 किलोमीटर पहले एक डायवर्जन पड़ता है राइट साइड में। अब वो डायवर्जन लेते हैं तो आपको 3 किलोमीटर जाना है फॉर दिस पैलेस। मांडवी बीच से हम लोग अभी होटल में आ चुके हैं, अभी जाते हैं रूम पे, थोड़ा फ्रेश होते हैं।